नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस प्रकार से वर्किंग रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टिफायर की डेफिनेशन कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट विच पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हमारा जो रेक्टिफायर है क्या, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट हम जानते हैं कि वो पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन करता है, हमारी समय समय पर जो उसकी डायरेक्शन रहती है वो चेंज होती रहती है, और जो डायरेक्ट करंट है वो हमारा ओनली इन वन डायरेक्शन फ्लो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर सेंटर टेप। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर टेप की बात आई है, तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात भी हम एक अलग से वीडियो में कर चुके हैं पहले ही, तो उनको आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे अभी तक। तो आज हम बात कर रहे हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जब हमारे पास सेंटर टेप रेक्टिफायर था तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो भी तो कंप्लीट साइकिल को हमारा रेक्टिफाई कर रहा था ना। तो यहाँ पर देखते हैं नीड क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, द ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर द सेंटर टेप रेक्टिफायर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे सिंपल सी बात तो यही होगी कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें सेंटर टेप जो ट्रांसफॉर्मर हमारा यूज हो रहा था उसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब उससे होगा क्या, मेकिंग इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है, थोड़ा सस्ता बना देता है उसके मुकाबले। ठीक है, एंड स्पेस एफिशियंट, स्पेस एफिशियंट का मतलब क्या है, वो ज्यादा स्पेस को कवर कर रहा था हमारा जो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करें वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो स्पेस एफिशियंट भी बना देता है जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, स्पेस एफिशियंट होगा, और क्या चाहिए हमें, इतना ही काफी है ना। दिस डिजाइन एडवांटेज कंबाइंड विद सिमिलर एफिशिएंसी मेकिंग द ब्रिज रेक्टिफायर अ पॉपुलर चॉइस इन मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो ये डिजाइन का एडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर में, वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, हमारा जो हमारी सेंटर टेप की एफिशिएंसी उसके साथ सेम रहेगी एफिशिएंसी, तो हमारी जो सेंटर टेप में रहेगी, लेकिन जो हमारा क्या कर देता है, जो हमारा कॉस्ट है उसको कम कर देता है और स्पेस को कम कर देता है। जो एफिशिएंसी है वो सेम रहेगी सेंटर टेप की भी और ब्रिज रेक्टिफायर की भी। ठीक है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखिए आप, सिमिलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, बढ़ाएगा नहीं, सिमिलर रखेगा एफिशिएंसी को, लेकिन क्या करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा और स्पेस एफिशिएंट बना देगा, इसलिए इसको हम पॉपुलर चॉइस मानते हैं मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार, कैसे वर्किंग रहेगी हमारी। अब ब्रिज रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि जो रेक्टिफायर हमारा वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, चाहे कोई सा भी रेक्टिफायर हमारा, वो ब्रिज रेक्टिफायर भी यही काम करेगा। और ये कैसे करेगा, इट यूटिलाइजेस फोर डायोड्स अरेंज्ड इन अ ब्रिज कॉन्फिगरेशन टू रेक्टिफाई द एसी इनपुट। और ये क्या करेगा, फोर डायोड्स का यूज करेगा, चार डायोड्स का यूज करेगा जो हमारा एसी इनपुट सिग्नल है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम वर्किंग को जानेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा सर्किट हो किस प्रकार से। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है जिसमें चार डायोड लगे हुए हैं जो कि ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, ब्रिज के तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, लाइक अ ब्रिज। और जो हमारा ये इनपुट एसी सिग्नल है, इनपुट एसी वोल्टेज वेव फॉर्म बोल लीजिए इसको, ठीक है, जिसमें क्या ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये हमारा आउटपुट डीसी सिग्नल है। ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें आउटपुट डीसी सिग्नल, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल हमें आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड रजिस्टर लगा हुआ हमारा जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, ये वी आउट डीसी ले रहे हैं जो आउटपुट में। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। तब स्टेप्स को देखते हैं, स्टेप से समझेंगे वर्किंग को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एसी इनपुट। द ब्रिज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू एन एसी पावर सोर्स। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर एक एसी पावर सोर्स से कनेक्ट है हमारा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी वेव फॉर्म, अब ड्यूरिंग बात कर रहे हैं कि दौरान जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल उसके दौरान क्या रहेगा, वन पेयर ऑफ डायोड्स D1 एंड D3 बिकम्स फॉरवर्ड बायस अलाउइंग करंट टू फ्लो थ्रू द लोड इन वन डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा क्या है, पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा इनपुट है वो एक सोर्स से कनेक्ट है, एसी सोर्स से, इनपुट एसी सप्लाई। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब उस दौरान पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्किंग कैसे रहेगी हमारी। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा डायोड D1 है और डायोड D3 है वो कंडक्ट करेंगे, उनके थ्रू हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, D1 एंड D3 के थ्रू हमारा जो करंट है
वो फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडक्ट करेंगे, दोनों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, क्लियर है इतना। जब D1 और D3 करेंगे हमारे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब द अदर पेयर ऑफ डायोड्स D2 एंड D4 इज रिवर्स बायस्ड एंड ब्लॉक्स द करंट फ्लो। इस दौरान ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D4 एंड D2 क्या रहेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे, और रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो डायोड है वो क्या रहेगा, हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे, D2 एंड D4 रिवर्स में रहेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वो किसकी वजह से मिलेगा, D1 की वजह से एंड D3 डायोड की वजह से, जो इनपुट में हाफ साइकिल में हमारा मिलेगा। करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन हमारी ये रहेगी, ये करंट की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा करंट रहेगा, आई से डिनोट कर रहे हैं, इस प्रकार से रहेगा ना हमारा। ये यहाँ पर देखिए आप, डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, ये हमारा लोड के थ्रू इस प्रकार से हमारा रहेगा, ऐसे D3 कंडक्ट कर रहा है, इस प्रकार से हमारी कुछ रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग रहेगी D1 और D3 की। इस दौरान हमारा जो डायोड है, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इस दौरान जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड के, इस डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देते हैं, डायोड को रिवर्स बायस कर देते हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों डायोड इस प्रकार से हमारे रिवर्स बायस है। क्लियर है इतना। अगर हम बात करें ड्यूरिंग, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारी बात हो गई कि जो हमारा D2 D4 रिवर्स रहेगा, D1 D3 फॉरवर्ड रहेगा, इस दौरान हमें करंट मिलेगा आउटपुट में, आउटपुट वोल्टेज हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। अब देखते हैं ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। एज द एसी वेवफॉर्म चेंजेस डायरेक्शन नेगेटिव हाफ साइकिल, अब जो हमारी एसी वेवफॉर्म है वो डायरेक्शन चेंज करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगी। द रोल्स ऑफ द डायोड्स स्विच, तो जो डायोड्स का रोल है वो स्विच हो जाएगा, उनका जो किरदार है वो बदल जाएगा। द डायोड D2 एंड D4 बिकम फॉरवर्ड बायस एंड D1 D3 बिकम रिवर्स बायस। दिस अरेंजमेंट एंश्योर्स दैट द करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द लोड। तो इस दौरान हमारे, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है, हमारा ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब कह रहा है, ये कह ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देख चुके हैं, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये है हमारी, ड्यूरिंग दिस हाफ साइकिल हमारा क्या रहेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा इनपुट सप्लाई का, ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा। तो इस दौरान हमारा जो D4 है और D2 है वो क्या रहेंगे, हमारे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे, उनकी वो कंडक्ट करेंगे, उनकी वजह से हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। और जो D1 है और D3 है वो क्या रहेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, उनकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और वो किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमारा जो डायोड का टर्मिनल है नेगेटिव है, ये डायोड का टर्मिनल हमारा क्या है, D2 वाला, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा किस प्रकार से रहेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करता है ना, तो पॉजिटिव से जाएगा ऐसे D2 का एनोड टर्मिनल पर जाएगा, ऐसे जाते जाते लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे जाएगा D4 में जाएगा, फॉरवर्ड बायस करेगा और वापस नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या रहेगा, करंट की डायरेक्शन रहेगी। अब यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन देख सकते हो, इस दौरान भी हमारी क्या रही है, करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रही है हमारी करंट की, इस दौरान भी हमारी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा जो करंट की डायरेक्शन थी हमारी वो क्या रही है, ये वाली रही है। ठीक है, और जो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल थी वो भी करंट की डायरेक्शन यही थी, ये जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों ही, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी लोड के थ्रू सेम है, इस लोड के थ्रू जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, यही बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, एंश्योर दैट द करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द लोड। क्लियर है इतना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बात कर ली, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल बात कर ली, आउटपुट में हमें क्या मिला, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट मिला और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट मिला। अब ये नीचे था, ये ऊपर, ये क्यों मिला, ये 180 डिग्री शिफ्ट होके मिला हमें। ठीक है, जो कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में मिलता है 180 डिग्री शिफ्ट होके। आउटपुट वोल्टेज क्या हमारी, यहाँ पर देखिए द आउटपुट अक्रॉस द लोड इज रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट, तो जो लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा वो डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। द ब्रिज रेक्टिफायर प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअस डीसी आउटपुट, ब्रिज रेक्टिफायर हमें कंटीन्यूअस डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है, इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग बोथ हाफ ऑफ द एसी वेवफॉर्म, तो जो एसी वेवफॉर्म के दोनों हाफ हैं, ये बोथ आपका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों का यूज करेगा, दोनों का यूज करके हम आउटपुट में डीसी वोल्टेज दे देगा। ठीक है, वेवफॉर्म शेप, वेवफॉर्म शेप कैसे रहेगी हमारी,
The resulting waveform has less ripple compared to half wave rectifier because it rectifies both half of the AC signal. अगर हम इसको half wave rectifier से compare करें तो half wave rectifier में सिर्फ हमें एक half मिल रहा था, ठीक है, during जो हमारा DC output voltage मिल रहा था, तो उसकी वजह से हमारे जो ripples थे उसमें क्या थे, ज्यादा थे, ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा था ना हमें। लेकिन इसमें जो हमारा जो output मिल रहा है वो हमें complete मिल रहा है during positive half cycle भी, during negative half cycle भी। तो इसमें क्या रिपल्स, जो हमारे रिपल्स क्या होते हैं, अनवांटेड एसी कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे इनपुट एसी सिग्नल है उसके कुछ अनवांटेड पार्ट हमारे आउटपुट में रह जाते हैं, उनको हम रिपल बोलते हैं। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सिग्नल किस प्रकार से रहेगा, जो हमारे इनपुट एसी सिग्नल आउटपुट में, फॉर एन एसी वोल्टेज गिवन द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी रिटन एज फॉर एन आइडियल डायोड। एक आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड क्या होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। जब थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसमें कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो वो आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, तो आइडियल डायोड में हमारा जो वी आउटपुट रहेगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ड्यूरिंग टाइम 0 to T/2, 0 to T/2 टाइम के लिए जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिलेगा Vm sin omega t। सिनोसोइडल सिग्नल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, Vm का मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, और ओमेगा टी, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, ठीक है। इस प्रकार से हम साइन, हमारा ये साइन ओमेगा टी लेते हैं हम इसको, तो Vm sin omega t से सिनोसोइडल एसी सिनोसोइडल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 to T/2 टाइम के दौरान हमें ये मिलेगा, और T/2 से T टाइम के दौरान हमें ये मिलेगा Vm sin omega t minus pi। तो मैंने बोला था ना 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो माइनस पाई है वो 180 डिग्री को ही दर्शा रहा है, हमारा 180 डिग्री शिफ्ट को ही दर्शा रहा है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो हमारा हाफ साइकिल थी वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है और पॉजिटिव साइड चली जाती है, ठीक है। इसको समझाता हूं आपको अब यहां से, यहां पर देखिए ये टाइम क्या है, जीरो, ये टाइम है मेरा जीरो, ठीक है, और ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, T/2 टाइम को, ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है, टी टाइम को, ठीक है। तो 0 to T/2 टाइम तक हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल रही थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान T1 और T3 ने फॉरवर्ड बायस में काम किया और आउटपुट हमें मिल गई, ठीक है। और ड्यूरिंग अगर बात करूं मैं T/2 से T टाइम के लिए, तो इस दौरान नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड D4 था और D2 था वो कंडक्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से हमें आउटपुट में मिल गई सिग्नल मिल गया, जो कि हमारा 180 डिग्री शिफ्ट होकर मिला ड्यूरिंग T/2 से T टाइम के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बोथ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल गया है, जो कि आउटपुट डीसी सिग्नल है। तो ये हमारी वर्किंग थी कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशन टर्म्स, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैलकुलेशन किस प्रकार से हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं एक बार। एवरेज आउटपुट वोल्टेज VDC, ये हम पहले बात कर चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में भी, सेंटर टेप रेक्टिफायर में भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, तो उन वीडियोज को भी देखोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसमें भी मैं बता रहा हूं, हर एक वीडियो में मैं इनका एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन रहती है वो हर एक रेक्टिफायर के लिए थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो वो भी चीज आपको जाननी जरूरी है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम VDC से डिनोट करते हैं, डीसी वोल्टेज, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज ओवर अ फुल साइकिल। हम फुल साइकिल की बात करते हैं, ये फुल साइकिल होती है हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस फुल साइकिल के दौरान जो हमें आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिलेगी रेक्टिफाई होके, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VDC से। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर जो VDC की वैल्यू किस प्रकार से है, VDC = 2Vm/π। Vm क्या हमारा मैक्सिमम वोल्टेज को दर्शा रहा है, ठीक है, और पाई हमारे जो पाई की वैल्यू होती है वो आप पुट कर दोगे, तो 2Vm/π से हम आउटपुट डीसी वोल्टेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू पुट करने, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर RMS। RMS को कैसे डिनोट करते हैं आउटपुट वोल्टेज को, VRMS से, ठीक है। अब RMS होती क्या है, दिस रेफर्स टू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट रिमेनिंग इन द DC आउटपुट। तो जो DC आउटपुट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये DC आउटपुट है जो हमारा पल्सेटिंग है, इस प्रकार से है, ठीक है। कंप्लीटली जब हम DC आउटपुट की बात करते हैं तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, जो कि फ्लैट होता है बिल्कुल ही, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है, जिसकी वजह से कुछ AC कंपोनेंट्स के हमारे रिपल रह जाते हैं, AC सिग्नल के कुछ कंपोनेंट्स रह जाते हैं जिनको हम रिपल बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको हमें अगर फाइंड आउट करना है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें AC कंपोनेंट की, जो कि रिमेनिंग रह गए हैं हमारे DC आउटपुट में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, VRMS = VM/√2, ठीक है।
अंडर रूट टू से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वीएम हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, और अंडर रूट से हम वीआरएम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिपल फैक्टर की, रिपल फैक्टर क्या होता है वो बताऊंगा आपको। रिपल फैक्टर को हम गामा से डिनोट करते हैं। रिपल इज द अनवांटेड एसी कंपोनेंट रिमेनिंग व्हेन कन्वर्टिंग द एसी वोल्टेज वेवफॉर्म इन डीसी वेवफॉर्म। तो जब हम एसी वेवफॉर्म को डीसी वेवफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो अनवांटेड कंपोनेंट अनचाहे एसी कंपोनेंट रह जाते हैं, जो कि हमने अभी देखे भी पीछे जब हम बात कर रहे थे कहते हैं इसके बारे में आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे वीआरएमएस के बारे में, तो तब हमने देखी जो एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। इवन दो वी ट्राई अवर बेस्ट टू रिमूव ऑल एसी कंपोनेंट्स, देयर इज स्टिल सम स्मॉल अमाउंट लेफ्ट ऑन द आउटपुट साइड व्हिच पल्सेट्स द डीसी वेवफॉर्म। हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो कम्प्लीटली डीसी मिले हमें, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में कुछ स्मॉल हमारे जो एसी कंपोनेंट्स है वो रह जाते हैं आउटपुट में, जिसकी वजह से जो हमारे आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, पल्सेट करती है, पल्सेटिंग रहती है, फ्लक्चुएट रहती है। ठीक है, दिस अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट इज रिपल। इन अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिस मेजर्स द एसी वेरिएशन प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट। ये क्या मापता है, हमारे जो एसी वेरिएशंस है, जो हमारी डीसी आउटपुट हमें मिली है रेक्टिफाई होकर उसमें एसी वेरिएशंस कितनी है उसको मापता है ये। इंडिकेटिंग स्मूथनेस, जो हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज मिली उसकी स्मूथनेस को दर्शाता है। इट इज कैलकुलेटेड एज गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट वीआरएमएस की वैल्यू, हम पहले बता चुके हैं कैसे कैलकुलेट करनी है, वीआरएमएस डिवाइड बाय वीडीसी, वीडीसी की वैल्यू बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करनी है। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए, माइनस वन कीजिए, अंडर रूट कीजिए, आपको रिपल फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें एफिशिएंसी की, कितना कुशल रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा आउटपुट देगा हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, तो उसकी बात करते हैं। एफिशिएंसी होती क्या, द रेशियो ऑफ द डीसी पावर अवेलेबल एट द लोड टू द अप्लाइड इनपुट एसी पावर इज नोन एज एफिशिएंसी। तो जो हमारी डीसी आउटपुट पावर हमें मिली है लोड के, लोड में जो हमारा आरएल लोड था, लोड रेजिस्टेंस, तो वहां पे जो हमें आउटपुट डीसी पावर मिली है उसका रेशियो अगर हम कर दें इनपुट एसी पावर से, तो हमने इनपुट पे एसी पावर दी है उससे अगर हम रेशियो कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ईटा से डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर आउटपुट, एसी पावर इनपुट, सॉरी आउटपुट मैं गलत बोल गया, डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट का रेशियो अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी, जिसको हम पीडीसी से नोट कर सकते हैं, डीसी पावर अपॉन एसी पावर। और जो अगर हम स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए तो वो 81.2% रहती है। सेम एफिशिएंसी हमने देखी थी सेंटर टेप रेक्टिफायर में और सेम एफिशिएंसी हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में, तो एफिशिएंसी में डिफरेंस नहीं आता है, सिमिलर एफिशिएंसी रहती है। बस फर्क क्या है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो कॉस्ट इफेक्टिव रह जाता है, उसका कॉस्ट कम हो जाता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो थोड़ा स्पेस ज्यादा लेता है सेंटर टेप का, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर का स्पेस कम रहता है हमारा, जिसकी वजह से हम ब्रिज रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं एप्लीकेशंस में, एफिशिएंसी हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर को हम एफएफ से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आरएमएस लोड वोल्टेज एंड एवरेज लोड वोल्टेज। तो आरएमएस वीआरएमएस कम कैलकुलेट करना देख चुके हैं, और वीडीसी का जब हम रेशियो करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम फॉर्म फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो वो वीआरएमएस डिवाइड बाय वीडीसी रहेगा। क्लियर है, अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में। तो अपनी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, जिसको हम पीआईवी से डिनोट करते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द डायोड कैन विदस्टैंड ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होती है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज होती है जिस पे हमारा जो डायोड है झेल सकता है उस वोल्टेज को ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। तो जो रिवर्स बायस कंडीशन है हमारी, रिवर्स बायस कंडीशन के दौरान जब हमारा जो डायोड है जिस मैक्सिमम वोल्टेज को झेल सकता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड मोर देन पीक इनवर्स वोल्टेज द डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम जो हमारी वोल्टेज उसको पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई कर देते हैं डायोड के अक्रॉस, तो जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, फट जाएगा, जो भी आपको समझना है। ठीक है, दस फोर ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, अगर हम बात करें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको वो रहेगी वीएम मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो हमारी इनपुट एसी सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज रहेगी वही हमारी क्या रहेगी, पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगी, वही हमारी क्या रहेगी, पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगी। ठीक है, ये क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो हमारी कैलकुलेशन सही है, हर रेक्टिफायर के लिए अलग है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डिफरेंट है, सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए डिफरेंट है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डिफरेंट है। सेंटर टेप में जो पीक इनवर्स वोल्टेज की जो कैलकुलेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सब लगभग सेम है।
तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये चीजें डिफरेंट रहेंगी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन आपको बताई हैं। तो ये हमारी क्या थी, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की कैलकुलेशन थी, वर्किंग थी, जो हमने समझ ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।